जो संसद में पेश किया है उसी बजट में इन्होंने किया पीपीपी रेलवे के लिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके। केवल आज की बात नहीं है, निजीकरण की प्रक्रिया अगर देखा जाए तो 91 से नरसिम्हा राव जी के समय से शुरू हुई थी, लेकिन आज तो चरम पर है। और आज इन्होंने वो हालत कर दी है कि सरकारी कर्मचारी जहां भी हैं उनको बिल्कुल बर्बाद कर दिया, नौकरियां इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी, और अब इन्होंने जो देश का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है रेलवे उसको प्राइवेट करने के लिए इन्होंने कोशिश शुरू करी है। और धीरे 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 करके अगर ये सरकार रहती है तो पूरे रेलवे डिपार्टमेंट को इसका निजीकरण कर देंगे। और उसका सीधा सीधा नतीजा है कि ये जो 14 लाख कर्मचारी हैं ये बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। और ये इस निजीकरण के माध्यम से जो प्रॉफिट देने वाली संस्था है, जो लोगों को रोजगार देने वाली संस्था है, इतनी बड़ी संस्था है एक डिपार्टमेंट हमारा, उस डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क कर देंगे। और ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से हो क्या रहा है, एक इनका जो सबसे बड़ा टारगेट है इसके पीछे, हमेशा से इनकी सोच रही है निजीकरण के पीछे, वो है जो एससी एसटी ओबीसी इनका जो आरक्षण है इस आरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर दो, ये इनका सबसे बड़ा हथियार है। निजीकरण के पीछे इनकी सबसे घातक जो सोच है वो ये है, इसलिए एससी एसटी बैकवर्ड और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि किसी भी हालत में किसी भी डिपार्टमेंट का निजीकरण ना हो रह गए। 19 जुलाई को दिल्ली में और दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में रेलवे के जो साथी हैं, रेलवे के जो कर्मचारी हैं, विशेषकर ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, उसने पूरे देश में इसके खिलाफ प्रदर्शन का, इसके खिलाफ एक विरोध करने का आह्वान किया है। और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी पूरी ताकत के साथ ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे वेलफेयर, रेलवे कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन जो है उसके साथ में कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के साथ देगी और सरकार के इस निजीकरण का, रेलवे के निजीकरण का विरोध करेगी। बाकी साहब देखा गया है कि जो आईआरसीटीसी है, जो रेलवे का एक उपक्रम बताते हैं, उसमें लेके मतलब झाड़ू से लेके खाने तक का इंतजाम किया जाता है, लेकिन शिकायत होने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, वो देखिए कार्रवाई होगी नहीं, क्योंकि वो उन्हीं के तो लोग हैं, कार्रवाई किस पे करेंगे वो लोग, वो उन्हीं के सारे लोग हैं, उन्हीं की ठेकेदारी, और उन्हीं ठेकेदारों से वो पैसे वसूल करते हैं, उन्हीं के माध्यम से चंदा वसूल करते हैं, उनके खिलाफ क्यों करेंगे। हमेशा प्राइवेटाइजेशन का जो इन्हें वो बात कहते हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि इससे सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, इसमें जो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन ना तो क्वालिटी सुधरी ना ही उसकी जो और सुविधाएं बढ़ी, बल्कि बद से बदतर स्थिति होती चली जा रही है। यहां तक कि यह है कि आज की तारीख में आप शिकायत भी करो तो उस शिकायत को भी कोई सुनता नहीं है, उसका भी किसी तरह का कोई मतलब रह नहीं गया है। इसलिए हम हर सूरत में हर कदम पर विरोध करेंगे, चाहे किसी भी तरह का जो सरकारी विभाग है उनका प्राइवेटाइजेशन अगर ही करेंगे। देखिए इन्होंने प्राइवेट करके बीएसएनएल का बेड़ा गर्क कर दिया, 1,72,000 कर्मचारी जो हैं प्राइवेट कर्मचारी बीएसएनएल के, उन्हें सड़क पर ला दिया इन्होंने। और अभी ये सेल की यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनका वो सारा करने जा रहे हैं। ओएनजीसी में इन्होंने महापात्रा को, संबित पात्रा को बिठाई रखा है, हर जगह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हाँ मतलब हर जगह इन्होंने जो है निजीकरण करने का कर लिया। उसके सबसे जो बड़ा कारण है, उसके दो बड़े कारण, नंबर एक रिजर्वेशन को खत्म कर दो ताकि एससी एसटी ओबीसी बैकवर्ड क्लास के और माइनॉरिटी के लोग किसी हालत में वहां आ ही ना सके, एक। दूसरा यह है जो ठेकेदारी प्रथा है उसके माध्यम से जितना भी मोटा पैसा वसूल कर सकते हैं वो वसूलें और अपना घर भरें, ये इनका काम है, इसीलिए निजीकरण किया जा रहा है। हम हर सूरत में इसका विरोध करेंगे और हम जो संस्था 19 जुलाई को इसका विरोध कर रहे हैं, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर साथ देंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।